नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ ममता यादव। शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। खबर चतरा से है, जहाँ पिपरवार नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों एक दिवसीय झारखंड बंद का आसपास के क्षेत्रों में व्यापक असर देखा गया। इस बंद के दौरान कोयले खदानों में कोयला का उत्पादन, ट्रांसपोर्टिंग और डिस्पैच का काम पूरी तरह से बंद रहा। क्षेत्र में सभी शिक्षक संस्थान खुली रही। बता दें कि बंद समर्थकों द्वारा सुबह से ही क्षेत्र के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों सहित व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद कराते देखे गए हैं। इस बंद के दौरान छात्र संगठनों के नेताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सैकड़ों बंद समर्थकों ने सड़कों पर निकल कर आक्रोश व्यक्त किया। इधर क्षेत्र में बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन के भी सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर गश्त करते देखे गए हैं। 2023 दिन बुधवार को तमाम झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन लोगों ने आह्वान किया है 3 दिन का कार्यक्रम, जिसे 2 दिन सफलपूर्वक बीत चुका है। तीसरा दिन ऑल झारखंड बंदी का आह्वान में आज बुधवार को यही दिन है, जो आज पूरे झारखंड बंद का एहसास है, पूरा असर देखने को है। आज पिपरवार भी पूर्ण रूप से यहाँ के स्टूडेंट द्वारा और अभिभावक के द्वारा पूर्ण रूप से बंद है। और ये बंदी का मुख्य कारण झारखंड सरकार वर्तमान में जो अभी विराजमान है गद्दी में, वो अगर स्टूडेंट को सही तरीके से नियोजन नीति और स्थानीय नीति अगर ला करके वो जितने भी बहाली यहाँ पर है वो अगर सही तरीके से लागू कर देता तो यह झारखंड के दुर्दशा आज देखने को नहीं मिलता। ये सारे गलती झारखंड के वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन के कारण हो रही है। झारखंड की अस्त व्यस्त ये मजबूरन और बाध्य होकर के झारखंड के छात्रों लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। ये झारखंड का ऐतिहासिक 3 दिन की कार्यक्रम होगी। और आज जो 19 तारीख का जो बंदी है, ये भीषण बंदी है, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा इस बंदी को, कि झारखंड के तमाम छात्र के कोशिश से ये बंदी को पुरजोर तरीके से बंद का समर्थन सभी राजनीतिक पार्टी, सभी स्टूडेंट और सभी अभिभावक और आम आवाम का भी इसमें समर्थन है, जिसके लेकर के यह पुरजोर बंद है और कहीं किसी तरह का कोई गाड़ी का चक्का भी नहीं चल रहा है। 2023 खबर सिहोरा से है, जहां थाना यमुना पार्क के अंतर्गत प्रधानाध्यापक डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्राथमिक विद्यालय सिहोरा प्रथम द्वारा शैक्षिक और संचारिक रोगों से संबंधित करते हुए एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें रैली के दौरान सभी ग्रामवासियों से संपर्क करते हुए उनको अपने गाँव सिहोरा से 6 से 14 वर्ष के शिशुओं को सरकारी विद्यालय में प्रवेश व संचारी रोगों से बचाव के लिए प्रेरित किया गया। हम अपने व्यापार खबर अमेठी से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला ने दरिया दिली दिखाई है। वहीं एक दर्जन जरूरतमंदों को सहायता भी की, जहां अग्नि पीड़ितों को राहत सामग्री दिया गया, वहीं इलाज के लिए 5 लोगों को आर्थिक सहायता राशि दिया गया है। देखिए, हम अपने व्यापार के लाभांश नर सेवा नारायण सेवा करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं विनोद जी, ये 80% विकलांग हैं, इनकी पत्नी के शरीर में भयंकर इन्फेक्शन है, दवा इलाज में तंगी है, तो इनको और अभी आपने देखा एक सज्जन थे जिनको पथरी का ऑपरेशन कराना है, ऐसे 5 लोगों को 90,000 की आर्थिक मदद दी गई। और 5 ऐसे व्यक्ति जिनके यहाँ इस गर्मी में आग लग गई और उनका खाने पीने का राशन नष्ट हो गया, 5 परिवारों को 1 महीने का राशन उपलब्ध कराया गया। और मैं ये समझता हूँ, ये हम सब का नैतिक कर्तव्य बनता है कि समाज के सक्षम लोग आगे आएं और अपने कमाई का, अपने लाभांश का एक हिस्सा अपने बंधुओं के लिए अवश्य निकालें। इसी प्रेरणा से मैं ये करता हूँ। यह नसीहत मेरे माता पिता द्वारा और मेरे गुरुजन द्वारा दी गई है, मैं उसी पर चलने। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां थाना कोसी कला का रहने वाला उमेश अपने घर से अचानक गायब हो गया था, जिसका शव फैक्ट्री एरिया हताना में पूरी पेंट की एक फैक्ट्री के सामने ट्रांसफर के पास सूखी नाली के पास छत बिछत अवस्था में मिला।
घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही के दौरान पुलिस की टीम द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन पर सूचना के द्वारा वीरेंद्र का नाम प्रकाश में आया था, जिसे NH-19 हाईवे के पास रोड के किनारे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोसी कला क्षेत्र में 17 तारीख को फैक्ट्री एरिया में नाले में एक शव मिलने की सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस टीम तथा सभी सीनियर ऑफिसर्स वहां मौके पे पहुंचे। शव काफ़ी पुराना लग रहा था और बहुत हद तक डिकम्पोज हुआ था। शव को नाली में रखने के बाद उसके ऊपर ईंट पत्थर रख के शव को छुपाया गया था। तत्काल पुलिस टीम एक्टिव हुई, फोटो प्रसारित किए गए, आसपास के गांव में सर्कुलेट किया गया। कुछ ही देर में शव की शिनाख्त उमेश नाम के व्यक्ति जो बराना गांव का रहने वाला था उसके रूप में हुई। 28 वर्षीय व्यक्ति के रूप में इनकी पहचान हुई। परिजनों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने तीन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन पे उनको शक था उनके विरुद्ध नामजद तहरीर दी, जिसपे अभियोग पंजीकृत किया गया। परंतु पुलिस ने प्रोफेशनली काम करते हुए पहले तो जिनको नामजद किया गया था उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनसे पूछताछ में जो लीड मिलती गई उसके आधार पे जो एक्चुअल मुलजिम जिसने घटना की थी उसकी पहचान की गई, जिसका नाम वीरेंद्र था, जो उसी गांव का रहने वाला था, उसकी पहचान हुई। और जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसके द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। उसको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जो तीन लोग निर्दोष नामजद थे उनको बिल्कुल इससे मुक्त किया गया। थाना कोसी। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार नगर निकाय चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए अवैध असलाह बनाकर बिक्री करने वाले अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उनके विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी छाता के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोसीकला के कुशल नेतृत्व में थाना कोसीकला पुलिस को दो पेशेवर अभियुक्तगढ़ को गिरफ्तार करने में उस समय सफलता प्राप्त हुई जब अभियुक्तगढ़ को गांव के बाहर खादर में बने कोठरे में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते समय गिरफ्तार किया गया। वहीं अभियुक्त के साथ पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। थाना कोसी कला पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए एक अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें दो अभियुक्त मुश्ताक और इब्बर जो नगला उटावर के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया है। और इनके पास से पौनिया, तमंचे, आंधबने, कई सारे असलहे और असलहा बनाने की पूरी फैक्ट्री बरामद की है। और इनको गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेजा जा रहा है। इनका पूर्व में भी आपराधिक व्यापक आपराधिक इतिहास रहा है और ये दोनों अपराधी पूर्व में भी शस्त्र फैक्ट्री के मामले में ये जेल जा चुके हैं। साथ ही साथ इन पे अन्य आपराधिक मुकदमे भी इन पे हैं। भविष्य में इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करके इनकी अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति को भी पूर्ण किया जाएगा। इनसे पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आए हैं जिसमें हमारे पास लीड है। आगे भी इस तरह के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी और बरामदगी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। थाना कोसी। खबर यूपी के जनपद महोबा से है, जहां योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड का संगठन चित्रकूट धाम मंडल प्रभारी के नेतृत्व में जिला नगर इकाई के पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गई, जिसमें सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र के साथ माला पहनाकर सम्मान किया गया। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष के परामर्श पर तहसील चरखारी से मीडिया प्रभारी विजेंद्र भारद्वाज को बनाया गया और महोबा नगर अध्यक्ष गौरव वाजपेयी को बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड का नगर अध्यक्ष हूँ। मैंने अपने कार्य विस्तार के लिए हमने अपने नगर के जो भी अपने मित्र सदस्य हैं उनको पद ग्रहण कराया है, पद दिया गया है। कार्यकारिणी विस्तार जी, कार्यकारिणी विस्तार
हिंदू सब लोग बुलाया था और कारगानी का विस्तार किया गया है। समाज पे चले जितनी योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजनाएं समाज की निकाली हैं, उन सब योजनाओं के बारे में लोगों को बताया और सब अपने सदस्यों से कहा गया है कि हर एक व्यक्ति के साथ खड़े हो। समाज में जो भी व्यक्ति वंचित है, जो भी व्यक्ति को दबाया जा रहा है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का सिद्धांत है, योगी आदित्यनाथ का सिद्धांत है, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पर चल रहे हैं कि न्याय हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। समाज के हर एक व्यक्ति के साथ खड़े हो, वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, वो सिद्धांत देंगे। समाज में हर एक व्यक्ति बराबर है और अगर जो भी व्यक्ति दबा कुचा हुआ है, हम लोग का अधिकार बनता है। अगर आप शिक्षित हो तो आपको समाज के हर व्यक्ति के लिए लड़ना ही पड़ेगा। देखिए, हमने समाज में जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी को के बारे में अवगत कराया अपने सभी पदाधिकारियों को और बताया कि समाज में जो भी वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं, जो आज के समय में एक्टिव नहीं है, उनको सारी योजनाओं के बारे में बताएं और उनको लाभ दिलाने का काम करें। योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड का नगर अध्यक्ष सिद्धार्थनगर से खबर। सिद्धार्थनगर से जहां डंठल में अचानक लगी आग को ग्रामीण मिलकर किसी तरह आग बुझाने में जुट गए, वहीं हवा के चलने के कारण आग बेकाबू हो गई। आग बढ़ने से किसानों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फिर पुलिस को दी, जहाँ सूचना पाते ही थाना अध्यक्ष अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच के आग बुझाने में जुटे हुए थे। ये पूरा मामला थाना और उसका बाजार के अंतर्गत गाँव ऊटापुर का बताया जा रहा है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी द्वारा नगर निकाय चुनाव नामांकन स्थल तहसील का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में नामांकन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नामांकन ड्यूटी में लगे अधिकारी व पुलिस कर्मियों को उनके दायित्व और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए, जिसके पश्चात स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। खबर यूपी के बहराइच से है, जहां मटेरा थाना परिसर के प्रभारी निरीक्षक की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। वहीं इस बैठक में ईद को लेकर कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि बैठक में एसपी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण के साथ मनाने की अपील भी की गई।